रूस हथियारों के मामले में इतना ज्यादा आगे निकल चुका है कि रूस के पास हाइपरसोनिक मिसाइलों के साथ सुखोई 57 जैसे फिफ्थ पीढ़ी के खतरनाक फाइटर जेट हैं। अपनी एडवांस टेक्नोलॉजी और खतरनाक हथियारों के होने के कारण अमेरिका जैसा सुपर पावर देश भी रूस के मामले में दखल अंदाजी नहीं करता। ऐसे में तुर्की ने जानबूझकर उड़ता हुआ तीर अपने पिछवाड़े में ले लिया और इस तीर से तुर्की को रूस ने ऐसा जख्म दिया है जिसे तुर्की ना चाहते हुए भी हमेशा याद रखेगा। इस बात की तो आपको जानकारी होगी कि पिछले 18 दिन से अर्मेनिया और अजरबैजान के बीच नागोर्नो करबाख को लेकर जंग छिड़ी हुई है और रूस का अर्मेनिया का साथ नहीं देने पर विश्व मंच पर रूस की कड़ी आलोचना हो रही थी, क्योंकि अजरबैजान के समर्थन में तुर्की पाकिस्तान के साथ साथ OIC यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन आ गया था। अर्मेनिया के साथ कोई भी देश न होने के कारण अजरबैजान का हमेशा से पलड़ा भारी रहा है और अजरबैजान का पलड़ा भारी होने का मेन कारण तुर्की को माना जाता है, क्योंकि तुर्की ने अजरबैजान के समर्थन में सीरिया के जिहादी लड़ाकुओं को जंग के मैदान में उतार दिया था और ये वो लोग हैं जो जंग के नियमों का बिल्कुल भी पालन नहीं करते। बीते शनिवार को रूस ने अजरबैजान और अर्मेनिया को मॉस्को बुलाकर एक मीटिंग के जरिए शांति समझौता करवाया था, लेकिन इसके बाद तुर्की के द्वारा भेजे गए जिहादियों ने सीज फायर का उल्लंघन किया और इसके बाद फिर से अर्मेनिया और अजरबैजान के बीच जंग शुरू हो गई। ऐसे में रूस के लिए ये जिहादी सरदर्द बनते जा रहे थे, इसीलिए रूस ने इनको जड़ से खत्म करने के लिए इनके ट्रेनिंग कैंप पर ही एयर स्ट्राइक कर डाली और रूसी मीडिया के अनुसार इस एयर स्ट्राइक में 400 से ज्यादा जिहादियों को बदतरूरों के पास भेज दिया गया है और इस एयर स्ट्राइक की दो फोटो भी निकल के सामने आ रही है। इसीलिए रूस के द्वारा की गई इस एयर स्ट्राइक के दावे को कोई भी नहीं नकार रहा। आपको बता दूं, रूस के द्वारा यह की गई एयर स्ट्राइक उस वक्त की गई जब तुर्की के द्वारा भेजे गए जिहादी अजरबैजान से अर्मेनिया में घुसने की फिराक में थे। साथ में रूस ने तुर्की और पाकिस्तान जैसे देशों को यह भी मैसेज दे दिया कि रूस भले ही प्रत्यक्ष रूप से अर्मेनिया के साथ खड़ा ना हो, लेकिन अन्य देशों के द्वारा दी जा रही दखलंदाजी को रूस कभी भी बर्दाश्त नहीं करेगा।